हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, अगर आपके पास पोको एक्स टू का फ़ोन है और आपके फ़ोन में जब भी आपको कोई भी कॉल करता है तो आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो बार बार बंद हो जाता है। जैसे ही आप कॉल को रिसीव करने जाते हैं तो आपको आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो बंद हो जाता है, तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूं। तो यहां पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम ऐप सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको जो है इनकमिंग कॉल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में इस तरीके से ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एक ऑप्शन आ रहा है जो कि आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से इनेबल रहेगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से इनेबल है तभी गाइज यहाँ पे आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, तो आपको इसको जो है इस तरीके से डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप इसको डिसेबल करेंगे तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब आपके फ़ोन में जब भी कोई भी आपको कॉल करेगा और अगर आप उसको रिसीव करने जाएंगे तो आपके फ़ोन में जो स्क्रीन है वो बार बार बंद नहीं होगा। तो गाइज़ होता क्या है, अगर आपके फ़ोन में ये ऑन रहता है तो आपके फ़ोन में जो सेंसर लगा हुआ रहता है जिसके कारण आपको स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम आती है, तो आपको इसको सिंपली से बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।